है व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो? आई होप कि सारे का सारे मजे में होंगे। भाई देखो, आज के टाइम पे बॉलीवुड का जिस तरीके से भाई को चल रहा है ना, मेरे को समझ नहीं आता है कि भाई ये लोग क्या करेंगे यार, बेचारे। अभी देखो, आप देखते हो लाल सिंह चड्ढा का जिस तरीके से भाई को चल रहा है, रक्षाबंधन का भाई को चल रहा है, थोड़ा सा पीछे जाओगे शमशेरा का भाई को चला था, और थोड़ा सा पीछे चले जाओ ना तो आप कंगना रनावत का भाई को चला था, और थोड़ा सा पीछे चले जाओ तो एथिट्री का भाई को चला था। मेरा मतलब यार, बॉलीवुड की जितनी भी मूवीज आती है ना, उसका भाई को चलता है। एंड इन फ्यूचर क्या ब्रह्मास्त्र जो मूवी आ रही है ना, उसका भाई को भी जोरों शोरों से चलेगा, जो कि काफी टाइम से चल रहा है भाई। ये बायकॉट करने का, इसको क्या नाम है इसका, ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मास्त्र को जम के बायकॉट करेंगे लोग। इतना जम के बायकॉट करेंगे कि भाई इसकी कोई हद नहीं है। अब वो पॉलिटिक्स के नाम पे हो, वो हिंदू के अपमान के नाम पे हो, आलिया भट्ट के नाम पे हो, यार जो भी हो भाई, आलिया भट्ट के मम्मी के नाम पे हो। उनके मम्मी ने कुछ बोला था इतने टाइम पहले, उसकी सजा उसकी भी लड़की, आई मीन आलिया भट्ट को दे रहे। मतलब किसी ना किसी तरीके से ब्रह्मास्त्र को बायकॉट मिलेगा। एंड आपको याद हो, मैंने दो एपिसोड बनाए, दो चैप्टर बनाए थे मैंने। मैंने आपको बोला था कि भाई एक पहला जो मैंने पार्ट बनाया था उसमें मैंने टॉप 5 मूवीज बताई थी जो कि भाई रिकॉर्ड्स बनाएगी, उसमें मैंने इस मूवी को नहीं रखा था। और उसके बाद टॉप 5 ऐसी मूवी बताई थी भाई जिसके बारे में ज्यादा बात नहीं होती बट वो मूवी एकदम धमाका है, मैंने इस मूवी को उस लिस्ट में भी नहीं रखा था। उसका रीजन मैं आपको बताता हूं। देखो, आज के टाइम बॉलीवुड का जिस तरीके से बायकॉट चल रहा है, बॉलीवुड का जिस तरीके से आज के टाइम पे टाइम चल रहा है, जिस तरह से रणवीर कपूर की शमशेरा फ्लॉप हुई है ना भाई, मैं सीरियसली, मेरे को कहीं से भी नहीं लगता कि भाई आप बॉलीवुड की कोई सी भी मूवी 300 करोड़ के बजट में रिलीज करो और आप उसका बजट भी कवर कर लो। मैं ब्रह्मास्त्र के लिए भी ये बात कर रहा हूँ भाई, मेरे को बिल्कुल भी भाई अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं है ब्रह्मास्त्र के लिए कि भाई ये जो मूवी है ना, इसको इतना सपोर्ट मिलेगा। क्यों? उसके 2-3 रीजन बताता हूँ। पहली बात तो, जब इसका ट्रेलर आया था ना, इसके ट्रेलर को इतना हेट मिला था, आपको पता होगा मैंने इसका पॉजिटिव रिव्यू दिया था, बट इसके ट्रेलर को इतना हेट मिला था ना, उसकी कोई हद नहीं थी। उसके बाद इसके ट्रेलर के आने के बाद ये जो हिंदुनिज्म, ये जो भी वगैरह वगैरह जो थे, अरे हमारे ये ऐसे नहीं थे, हमारे जो भी है क्या बोलते, हमारे जो क्या बोलते, कुछ भी यार, राम ऐसे नहीं थे, शिवा ऐसे नहीं थे, है ना, सीता ऐसी नहीं थी, ये इस तरह करके जिस तरह से एक प्रोपोगंडा फैला रहे हिंदू के बीच, हिंदू वगैरह के बीच, तो उस वजह से मेरे को ये मूवी इतना कॉन्फिडेंस नहीं दे रही है, सेकंड चीज। एंड तीसरी चीज, बॉलीवुड का जो बायकॉट चल रहा है, 300 करोड़ का बजट, आज के टाइम पे आपकी मूवी मुश्किल से 50 करोड़ टच नहीं कर पाती है, तो भाई 300 करोड़ का बजट लगा के आप 400-500 करोड़ किस तरह से बिजनेस करोगे, ये मुझे कॉन्फिडेंस नहीं दे रहा है। तो भाई इस वजह से मैंने इस मूवी को किसी लिस्ट में नहीं रखा, बिकॉज मेरे को अभी से इसका फ्यूचर दिख रहा है कि ये मूवी फ्लॉप हो सकती है, बॉक्स ऑफिस पे और बहुत ही खतरनाक फ्लॉप हो सकती है, क्योंकि आज के टाइम पे बॉलीवुड का टाइम बहुत खराब चल रहा है। एक तो साउथ से बॉलीवुड के चक्कर में बॉलीवुड का बायकॉट हो रहा है, बॉलीवुड वाले खुद बॉलीवुड के मारने में लगे हुए, नेपोटिज्म के वजह से मारने में लगे हुए, हिंदू मुस्लिम की वजह से मारने में लगे हुए, आलिया भट्ट को मारेंगे, रणवीर कपूर को मारेंगे, मूवी के कंटेंट की वजह से उसको मारेंगे, मूवी के स्क्रिप्ट की वजह से उसके मारेंगे, उसकी VFX की वजह से उसकी मारेंगे। मेरा मतलब है ये मूवी को जीने नहीं देंगे ये लोग। एंड मुझे लग रहा है कि ये मूवी का तो भाई बहुत ही बंटा ढर हो जाएगा, ऐसा मेरे को लगता है। इन फ्यूचर अगर इसका बजट 150 करोड़ के आसपास होता ना, तो मैं सोचता कि चलो यार, अगर अच्छी हुई ना स्क्रिप्ट, तो भले कुछ लोग बायकॉट भी करेंगे ना तो मूवी चलेगी। बट ये मूवी का मेरे को थोड़ा सा अभी से इतना स्ट्रॉन्ग फीलिंग नहीं आता है, ठीक है। अब ब्रह्मास्त्र का मैंने एक टीजर देखा है, टीजर सॉन्ग देखा है मैंने। एक्चुअली वो टीजर, ऑनेस्टली बोलूं यार, जो आपने जो चीज दिखाई है, रणवीर कपूर को छोड़ दूं ना मैं, तो टोटली फेक लगा। जिस तरीके से आग निकल रही है, आग चारों बाजू फैल रही है, टोटली फेक, सॉरी टू से यार। वो आग कम, मेरे को ऐसा लग रहा है कि भाई आप लोगों ने कंप्यूटर पे केरोसिन नहीं डाल दिया और उसको जला दिया बोले, मतलब कुछ भी अजीब सा लग रहा है यार। सॉरी टू से भाई, ट्रेलर में तो फिर भी ठीक था, बट ये जो सॉन्ग के अंदर आपने जो जिस तरीके से वो आग दिखाने की कोशिश की है यार, एक्चुअली भाई जो आग का जो कलर होता है ना, पहली बार तो वो कलर ही फिट नहीं बैठ रहा है भाई। मींस के वो जो इफेक्ट, जो कलर का, जो आग का वो कलर है, टोटली फेक लग रहा है यार। पहली बात तो यार, आपने ये क्या बना के दिया यार, आपको थोड़ा सा और अच्छा चाहिए था। हाँ, उसमें अरिजीत सिंह है, सॉन्ग जबरदस्त होगा, बट आपने जो टीजर, वीडियो टीजर जो बनाया है ना, वो टोटली फेक लग रहा है यार। तो इस पे आपको ध्यान देना था यार। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, एंड ये सॉन्ग आएगा तो पता चलेगा कि भाई किस तरीके का क्या है। बाकी देखते हैं इस मूवी का क्या होता है बॉक्स ऑफिस में, बिकॉज मेरे को ये मूवी इतनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग अभी से नहीं दे रही है भाई, अभी से मेरे को इसका फ्यूचर दिख रहा है फ्लॉप वाला। बाकी आई होप कि भाई इंडियन सिनेमा की मूवी है, बड़ी मूवी है, तो एट द बॉक्स ऑफिस धमाल करे, बाकी और क्या ही कर सकते हैं। एनीवेज, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा एंड लव यू।